लाइव टीवी एक्सप्रेस खबर पल पल। इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर घरों में घुसकर की गई तोड़फोड़, बिखेरे गए रसोई के सामान, अनाज तोड़े गए दरवाजे और किया गया भारी नुकसान। लालगंज खबर है, थाना लालगंज के पूरे तिलकराम से, जहां पर चुनाव के दौरान हुए बवाल में पुलिस को कुछ लोगों की तलाश है, किंतु रात में बिना महिला पुलिस के दर्जनों लोगों के साथ घरों में घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है। महिलाओं और बच्चों को परेशान किया जा रहा है। बताते चले कि पूरे तिलकराम में स्वामीनाथ गुप्ता, रामाश्रय वर्मा, अमर बहादुर सिंह, स्वर्गीय सुखनंदन मिश्रा के घर पर पुलिस ने रसोई के सामानों को तोड़ दिया है, अनाज बिखेर दिया है, कीमती सामानों को तोड़ दिया है और घर वालों के अनुसार कीमती सामान गायब भी किए गए हैं। पीड़ितों के अनुसार पुलिस के साथ अन्य बाहरी लोग भी शामिल थे, जिन लोगों ने कुल्हाड़ी व संबल से दरवाजे को तोड़ा है एवं बेड अलमारियों को तोड़कर सामानों को निकाला है व कुछ सामान गायब किया है। पुलिस की इस तरह कार्रवाई से महिला और बच्चे बहुत भयभीत हो गए हैं, वो लोग डरे सहमे हैं। पुलिस के अनुसार इस केस में लगभग 50 लोग संदिग्ध हैं, किंतु चार घरों में इस तरह से तोड़फोड़ करके भारी नुकसान पहुंचाना कहीं कोई चुनावी रंजिश या साजिशन तो नहीं किया जा रहा है? क्या कुछ ही परिवार को परेशान करना सही है? इस तरह से सामानों को तोड़ देना, खाने पीने के सामानों को भी बिखेर देना सही है? फिलहाल देखना है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। लाइव टीवी एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो हरिकेश चौरसिया की रिपोर्ट। आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ कैसे क्या क्या तोड़ फोड़ गई है। ये पड़े में देखिए, यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ रखी थी, इसको तोड़ दिया गया है और मैं अंदर की तरफ लेके चल रहा हूँ, वहाँ पे देख रहा हूँ। और मैं कैमरामैन से बोलूंगा और क्या क्या चीज तोड़ा गया वहाँ पर। जैसे मैं देख पा रहा हूँ, एलईडी टीवी वहाँ पर तोड़ी गई है अंदर इस कमरे में। इसके अलावा मैं आपको रूबरू कराता हूँ दूसरे कमरे से, और यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर इनके खाद्यान्न सामग्री को बिखेर दिया गया है। ये किस तरीके के कार्यवाही थी, क्या था, पुलिस वाले थे या उनके साथ में कुछ अपराधिक तत्व थे, किसने इस तरह के किया है? ऐसे खाद्यान्न को छिपाना या बिखेरना इतना कष्टदायक है कि वो लोग इस चीज को कैसे कर गए हैं। आगे अंदर के कमरे में मैं बोलूंगा कि दिखाएं कि अंदर कमरे में क्या हुआ था। जैसे आप देख रहे हैं कि ये कमरा इनका गृहस्थ का कमरा है, यहाँ पर कुछ सामान वगैरह इनके रखे गए थे, उसको भी यहाँ से निकाला गया है, बाहर निकाल के रखा गया है। इस कमरे में भी छानबीन की गई है। अंदर के कमरों में आपको दिखा रहा हूँ, ये जैसे देखिए इनका खाना बनाने की सामग्री थी, मसाला पीसने का, इसको पूरी तरीके तोड़ दिया गया है। ये छोटे छोटे बाल्टी वगैरह को तोड़ा गया है। और इनके इस कमरे में देखा जाए तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन और फ्रिज रखी है, उसको क्षतिग्रस्त किया गया है। साथ में आप देखें कि इस कमरे के पेड़ को भी तहस नहस किया गया है, तोड़ा गया है। ये उद्देश्य क्या था ये समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके से क्षतिग्रस्त करना। और यहाँ पर प्लग में बोर्ड वगैरह जो थे वो भी पूरी बोर्ड वगैरह का भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। एक एक चीजों को चुन चुन के तोड़ा गया है। ये रंजिशन था या किसी सोची समझी चाल थी, कैसा था, ये चीजें समझ से परे है। दूसरे छोर की तरफ इस कमरे से रूबरू कराता हूँ। इस कमरे में देखिए तो इस तरह बंद था, लेकिन ये बगल से जो दिखाया जा रहा है, इसे बताया जा रहा है कि कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से इसको तोड़ दिया गया। उसके बाद इस कमरे में क्या स्थिति रही है यहाँ का नजारा आपको दिखाते हैं। पूरी तरीके से अलमारी को तहस नहस किया गया है, अलमारी के सामान को हटाया गया है, उसमें से क्या खोजबीन की गई है ये चीज समझ से परे है। और पीछे की तरफ बेड वगैरह खोला गया है, बेड से क्या चीजें निकाला गया है ये भी समझ से परे है। इस तरीके से क्या चीज ढूंढा जा रहा था, किन चीजों को लेकर यहाँ पर कार्रवाई की गई है, किसके द्वारा की गई, ये अभी तक संदिग्ध है। ये खाना बनाने का क्षेत्र है या किसने किया ये सब बताएंगे, क्या बात हुई थी? हमारे मतलब हमारे घर में 12:30 बजे रात की आए हैं, मतलब सात आठ गुंडा इधर से, सात आठ गुंडा इधर से, दोनों तरफ दरवाजा झेल रही है। उसके बाद दरवाजा जो ना हमसे खोल दी है, दरवाजा खोले के बाद तुरंत जो हमारे आदमी पूछे, जब हमारे आदमी नहीं मिला है तो उसके बाद फिर हमारे घरे में तोड़ फोड़ करे लगे है। तोड़ फोड़ करे लगे है तो हम सभी मना करे है, गाड़ी गुफा देख रहे, गाड़ी गुफा देने के बाद फिर जो है गाड़ी चाभी पाई गई, बोलेरो की चाभी रिश्तेदार की है, चाभी भी गाड़ी भी, वो यहाँ पे जमीन भी रिश्तेदार मेरा लिया है, वो यहाँ पे लोगन का 12 बजे रात की पथर रहे हैं। सब तोड़फोड़ की भरते हैं। आप थे उस समय घर पे? हाँ, रात के समय घर पे थे आप? हाँ, हाँ। कितने बजे आए थे? 12 बजे। अच्छा, 12 बजे रात के। हाँ। अच्छा, कान भरे बच्चा, हमारा तनाव भरे बच्चा, इतना तोड़ फोड़ हो।
नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज एक्सप्रेस और मैं आज आपको ऐसी एक घटना से रूबरू करा रहा हूं। अभी विगत 19 तारीख को यहां पर चुनाव हुआ था। चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी से झड़प होने के बाद पूरे तिलकराम में चुनाव को लेकर काफी विवाद हो गए थे। बैलेट पेपर में पानी डाल दिया गया था, ऐसे बहुत सारी चीजें कर दी गई थी जिसकी वजह से कुछ अराजक तत्वों को पुलिस ने नामजद किया और उनकी धरपकड़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिस घटना को मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, वो घटना एक ऐसी मार्मिक घटना है कि देखा जा रहा है यहां पर तोड़फोड़ हुआ है, घर की वस्तुओं को तोड़ दिया गया है। जैसा आप देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर देखिए कैसे तोड़फोड़ की गई है। यहां पर कुर्सियां तोड़ दी गई हैं, गेट तोड़ दिए गए थे, अंदर की जो चीजें हैं वो तोड़ दिए गए थे। मैं वो सब चीजों को लेकर आपको रूबरू होऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जानूंगा यहीं के प्रत्यक्षदर्शी से जानूंगा कि मामला क्या था और किस वजह से ये तोड़फोड़ की गई है, किसके तरफ से की गई है, कौन इसके जिम्मेदार है। ये चीजें अभी तो संदिग्ध है, लेकिन फिर भी जो जानकारियां निकाल पा रहे हैं वो हम जानना चाहते हैं। जी, आप इसी ग्राम सभा के हैं? हाँ जी। जो ये आज तोड़फोड़ हुई है, हाँ, कार्रवाई हुई है, हाँ, इसका कारण क्या है आप बता? इसका कारण है चुनावी रंजिश। चुनावी रंजिश? हाँ, मतलब चुनावी रंजिश कैसे? चुनावी रंजिश क्या? चुनावी रंजिश ये प्रत्याशी स्वामीनाथ गुप्ता बीडीसी के हैं, हाँ, ये चुनाव लड़ रहे थे जी, इसकी वजह से चुनाव लड़ रहे थे। हाँ जी। तो यहाँ पर जो घटना हुई थी 19 तारीख को, हाँ, पीठासीन अधिकारी के साथ में झड़प हुई थी, हाँ, और पानी डाल दिया था बोतों में, हाँ, उससे संबंधित क्या बात बताएं? उसके संबंधित में है, मैं सच्चाई ये बता रहा हूँ कि मैं जितना जानता हूँ उतना ही बताऊंगा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। वहाँ पर हुआ जो है मतदान पेटी जो है, अब ये नहीं पता है कि आ वाला है या बा वाला है, वो मैं बताऊंगा। तो मेरे ख्याल वो आ वाला है, ठीक है ना, जो कि वो मतदान वहाँ हुआ 5:30 बजे तक या 6 बजे लगभग, इतना ही था। तो पीठासीन अधिकारी उसको जो है सील किया उसको, और सील करके वो जो एजेंट थे साइन भी कराया, ठीक है, साइन कराया। और जो है प्राइवेट गाड़ी आई, पहले से वो गाड़ी तैयार थी, जैसे फिल्मी स्टाइल में काम होता है उसी तरह से हुआ ये, ठीक है। आए और वहां से बक्सा उठा लिए, और बक्सा उठाने के बाद में उस गाड़ी में लादे और लाद करके वो चले गए, ठीक है, प्राइवेट गाड़ी में लेके चले। हाँ, प्राइवेट गाड़ी में लेके चले गए। जब प्राइवेट गाड़ी में लेके चले गए तो वहाँ जो वोटर थे दूसरे वाले में, वहाँ पर वोट नहीं हो पाया था पूरा। वहाँ पर कम से कम नहीं 100-150 आदमी की लाइन लगी थी, ठीक है, वहाँ पर 100-150 की लाइन लगी हुई थी। वो लोग जो है लाइन में लगे हुए थे, लाइन में लगे हुए थे। तो ये सब उनको शंका हो गया कि हमारा बक्सा कौन ले गया, इस तरह तो जाता ही नहीं है। जाती है तो भाई गाड़ी आती है, ट्रक आता है, उसमें फोर्स होती है, सुरक्षा के साथ जाता है। उन लोग कहने लगे और उसी में चर्चा हुआ, भाई बक्सा गया तो गया, कैसे गया, ठीक है ना। जब बक्सा वो चला गया तो उसी के साथ में है जो अपने वहाँ के कर्मचारी थे, पीठासीन थे या पुलिस वाले थे या सेक्टर प्रभारी, जो उनको क्या कहते हैं, पीठासीन अधिकारी नहीं, एक जो सेक्टर के होते हैं, नाम क्या होता है, सेक्टर मजिस्ट्रेट आए बाद में, आए बहुत आए लेट, वो आए तब तो उनसे सब पूछा ताछी हुआ, कैसे गया कैसा नहीं। अब वो लोग जनता आक्रोश में आ गई, आक्रोश आने के बाद भी भाई कोई जनता सुने नहीं वहाँ, क्योंकि 100-150 पब्लिक थी, हाँ, और जो आए और उनके साथ में झड़प हुआ, इतना मैं जानता हूँ बस। अच्छा, तो ये जो कल रात में तोड़फोड़ इनके घर पे हुई, इसका कारण उसी से जुड़ा जा रहा है? हाँ, उसी से संबंधित है जी। जैसा कि अब आपको मैं अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या तोड़फोड़ हुई है, कैसे कैसे तोड़ा गया है, तो अंदर चलते हैं और देखते हैं। अभी दूसरे घर की तरफ मैं रुक कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी तोड़फोड़ हुई है। किस वजह से हुई है, कारण क्या रहा है, वो भी वही मामला है, फिर भी जानना चाहेंगे किस वजह से आपके घर में तोड़फोड़ हुई है। जी सर, मुझे कल तक कुछ पता नहीं था, कल अज्ञात लोग मेरे घर पे और मेरे भाई को बता रहे थे कि आपके भाई के नाम FIR हुआ है और इसलिए आपके घर में तोड़फोड़ हुए, जबकि मुझे नाम का पता कल चला, इसके पहले मुझे नाम का पता भी नहीं था। जिस कारण से मेरे भाई को फंसाया जा रहा है उस कांड में वो थे भी नहीं, अगर बुलाकर मैम से पूछा जाएगा तो शायद मैम यही बताएं कि ये लड़का मुझको बचा रहा था, फिर भी उनको जबरदस्ती केस में इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनको जबरदस्ती केस के लिए फंसाया जा रहा है। जब वो लोग आए थे यहाँ पर तोड़फोड़ किए थे, कौन लोग थे? हम लोग, हमसे हमारी बहू थी, हमारी बेटी थी, बाहर सो रहे थे यहीं पर दरवाजे पर, और उन्होंने पहुंचने के बाद पूछा कि किसका मकान है। हमने बताया, पहले अपने बाप का नाम बताया, फिर पति का, फिर उसने कहा और आगे, मैंने कहा संदीप मिश्रा का घर है। उसने तुरंत, एक लेडी साथ थी, दरवाजा तोड़ा, दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे,
पुल ढूंढने के बाद भी नहीं मिले तो सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना था तोड़ फिर मचाने लगे। मैंने कहा इसको तोड़ने से क्या मिलेगा, कहे साले में माधव चोर जहाँ गए होंगे भोसड़ी वाले, इसको तोड़ो तभी आएंगे, गाय का छप्पर भी गिरा। आपको क्या क्या कह रहे हैं? हाँ सर, रात में मतलब 2 बजे रात को सर पुलिस आई थी, 30-35 लोग थे सर, वो आए उसके बाद फिर यहाँ घर में घुसते, फिर इधर जाँच पड़ताल करते सर ठीक है, लेकिन इधर में तोड़ फाड़ करने लगे, फिर उसके बाद हम लोग मना भी कर रहे थे तो भी नहीं मान रहे थे सर, इतना हम लोग डर गए कि मतलब लगता है कि रात में ही आते हैं, दिन में नहीं आते हैं, रात में परेशान करने आते हैं। और हम 3 महिलाएं हैं, हमारे पति बाहर बाहर घूम रहे हैं सर, उनका हाथ भी नहीं तो उनको फंसाया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमें न्याय चाहिए। गलत तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है, जिसके लिए आप लोग निवेदन कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो ताकि सही निर्णय निकल के आए। किसी प्रकार से किसी प्रकार के प्रदर्शियों से ही बात करके पता चल पाएगी कि वो कितना बता पाते हैं। शीशों को कांच के शीशे तोड़े गए हैं, खिड़कियां तोड़ी गई हैं। नुकसान का मेन उद्देश्य रहा है कि कितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर दिया जाए, और वो किया भी गया है। तो इस तरीके से किस वजह से, किस कारण से यहाँ पर इतनी ज्यादा क्षति भी हुई है, क्षतिग्रस्त किया गया है, उसका मूल कारण क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ नुकसान किया गया है वो किसी न किसी रंजिश के तहत किया गया महसूस होता है। बाकी यहाँ के जो इस घर में मौजूद थे मैं उनसे जानूंगा और पूछूंगा कि क्या वजह थी या किस वजह से और कौन लोग थे जो रात में उनके घर में आके इस तरह तोड़फोड़ की। तो आपके घर में ये जो चीजें हुई ये कब की बात है और कौन था, कुछ बता पाएगा तुम्हें? हाँ सर, हाँ 2 बजे रात की कौन आया था आपके घर में? हमारे घर में 15 जने थे रहे सब। तो आप मुझे बताइए जिस समय कोई आया था कितना टाइम रहा होगा, क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? पहले आए यहू कहते कि दरवाजा मार पाछे से तोड़क रहे और आगे से हम पर चिल्ला रहे, गाली देते रहे, खोलो खोलो खोलो, नहीं खोलते रहे, कैसा केहू है नहीं घर में मारे, कल नहीं खोलो खोलो, तो खोले हम तो घुसे सब लोग और उधर गए और इधर गए और ऊपर गए और लोग एक लोग खड़ा होके कहे यही खड़े रहना, बैठ जाना, कहीं जाना नहीं, नहीं मारेगा तोड़ेगा, तो सब लड़कन का बच्चन को लेके हम बैठ गए। कौन कौन थे उससे लगाने? हमारे पतवा तीनों रही थी, लड़कन छोटे छोटे सबके बच्चे हैं, तीन तीन चार चार के सब बच्चे के लेके पड़े थे। औरत और हाँ औरत औरत और बच्चे थे। हाँ छोटे छोटे बच्चे। तो बाकी फिर उन लोगों ने क्या क्या किया? उन लोगों ने घर में गया था, सब हथियार लेके मेरी गाड़ा सब लिए थे, उसे ने तोड़ फोड़ खूब मचा रहा, सुना था ही खटा खट सब तोड़ फोड़ मचा रहा था। अब यहाँ हमको सबको दाबे रहे हैं, सबको ना भागो ना, खड़ा रहे थे, एक लोग खड़ा था, उनका सब कहीं सांसे रहे खड़े थे, हम लोग भागी कहाँ खड़े थे, और लोग भी उस गुड्डू शुक्ला ने वहाँ खड़ा था। हाँ उनका पहचानते थे, उनका पहचानते थे, और लोग इधर गया था पुलिया में गया है, उन लोग वही खड़ा था। तो कितनी देर तक रहे हैं? तो कितनी देर यहाँ कम से कम रहे होंगे कि आधा घंटा जरूर। फिर उसके बाद सब लोग चले गए। हाँ। तो तोड़ फोड़ करके हमारी शादी का तैयारी है, हमारे लड़का कहाँ 30 तारीख का बाहर जाए। अच्छा कितनी शादी है? देखिए अच्छा आपके बेटे की शादी? हाँ हमारे बेटे की शादी है 30 तारीख का बाहर जाए, उसी ने हमारे लड़का ने सब शहर में रहते है, बाहर सब लोग सब आए थे, चुनाव उनके सामने गुस्सा खड़े थे, चुनाव में आए थे लड़के हमारे वो जाते घर से थे सब बदल थे वहाँ पे, नहीं सब अपन नेता कार्य कहने हो गया उड़ दिया सब बहरी आए गए वहाँ झगड़ा तो हमारा लड़का नहीं था, नहीं था लेकिन सामने झूठा झूठा तोड़फोड़ करके हमारे जेवर शादी के लिए तैयारी रही। अच्छा शादी के लिए वहाँ से जेवर लेके आया, पता सब शादी के लिए सब ले गया। आपके मतलब कहना है कि आपके यहाँ से शादी के लिए सामान भी ले तोड़ फोड़ के बैग ने तोड़ा दरवाजा ने तोड़ के सारा सामान मार धो लिया। अच्छा आप जो यहाँ पे हैं, आप इनके पड़ोसी हैं, तो रात में आप भी कुछ देखे होंगे, क्या देखना चाहते हैं? जी चार गाड़ी आई थी। चार गाड़ी किसकी गाड़ी थी पहचानते हैं कुछ? हाँ पुलिस की गाड़ी थी, 2 गाड़ी पुलिस की थी, 2 गाड़ी शादी थी। तो क्या देखा, कहाँ तक आपने देखा कुछ बता पाएंगे आप? तो हमने देखा था इधर से आए जो है, इधर से फिर इधर आए,
सामान निकाले, हथौड़ा थोड़ा लिए थे, सब निकालने तोड़ फाड़ करने के लिए उधर से निकाले, सब लेके आए तो जो है फिर काका के अंदर आए, उनको क्या पता थी जो है। अच्छा अच्छा, मतलब बाहर का आपने जो देखा वहाँ वही, चल रही थी। और उसके बाद फिर वो लोग हथियार यानी तोड़ फोड़ का सामान औजार लेके आए सर, वही लेके आए। फिर हमको नहीं मालूम था घर में क्या किया क्या नहीं, क्योंकि तो सिर्फ चले गए सर, तो क्या नहीं देखा। फिर जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, आपके कहने अनुसार कुछ पुलिस वाले थे उनके साथ, साथी देश में कुछ थे और कुछ ग्रामीण थे जिनको ये लोग पहचानते हैं। इनका कहना है कि रंजिशन इनको फंसाया जा रहा है, इनको सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है कि ये चुनाव में खड़े थे, जिसकी वजह से इनके साथ में इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। घटना में कौन कौन सहयोग था, कौन कौन उसमें सहयोगी था, ये अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इन लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है ये वैधानिक नहीं है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसी घर में इस तरीके तोड़फोड़ करना, अंदर जाके उनके अलमारियों को तोड़ना, वहां से सामान निकालना, क्या क्या चीजें वहां से ले गए हैं, ये चीजें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप किसी से गुहार भी नहीं लगा पा रहे हैं, किसी से मदद की अपील भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन आपके खिलाफ है और आपको लगातार धमकियां मिल रही हैं कि आप लोग अगर अपने आप को सरेंडर नहीं करते तो आपके साथ में और भी दुर्व्यवहार हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो घटनाएं हैं बहुत ही मार्मिक हैं, इसको संज्ञान में लेना चाहिए, निष्पक्ष जांच हो ताकि न्याय मिल सके और किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति परेशान न हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो आपराधिक तत्व को भी बढ़ावा दे रही हैं। अगर किसी प्रकार का इसमें कोई ऐसा भी हाथ हो किसी ऐसे व्यक्ति का जो किसी प्रकार का दुर्व्यवहार रखता हो या किसी प्रकार का आपराधिक कृत्य रखता है, तो वो बहुत दिक्कत की बात होगी। प्रतापगढ़ वैसे भी बहुत सारी समस्याएं झेल रहा है, इस तरीके से नई समस्याएं देखने को मिल रही है, तो इन सब चीजों को रोकना बहुत आवश्यक है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारे चैनल की पूरी नजर इस घटना पर रहेगी और जिस तरीके से आगे कोई इस पर कार्रवाई होती है या क्या घटनाएं होती हैं, हम आपको फिर रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज़ एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश।